दिल्ली ने अपने इतिहास में अनेक सभ्यताओं को पनपते और बिखरते देखा। एक तरफ जहां इस शहर ने संपन्नता के वैभवशाली दिन देखे, वहीं दूसरी तरफ भयंकर त्रासदियां और बर्बादियां भी देखी। यहां समय समय पर शासक बदलते रहे, जहां राजपूत, तुर्की के सुल्तान, मुगल, मराठा और फिर अंतिम में अंग्रेज आए। दिल्ली तो वैसे की वैसी ही बनी रही, पर इस पर राज करने वाले समय के साथ बदलते रहे। इसी वजह से दिल्ली को शहरों का शहर कहा जाता है। इतिहास में एक कहावत है, जो दिल्ली पर राज करेगा वो पूरे भारत पर राज करेगा। ये कहावत कहीं ना कहीं सच ही जान पड़ती है। दिल्ली हमेशा से ही सत्ता का प्रतीक रहा है। यही वजह है कि जो भी बादशाह दिल्ली को जीत लेता था, वो खुद को हिंद का सुल्तान घोषित कर लेता था। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा लूटपाट और बर्बादियाँ देखी। जब भी विदेशी हमलावरों के काफिले जब हिंद की तरफ बढ़ते थे, तब उनका आखिरी मुकाम दिल्ली ही होती थी। दिल्ली का वजूद वास्तव में कितना पुराना है, ये तो कोई नहीं जानता। पर बहुत से विद्वान मानते हैं कि बहुत समय पहले जब कोई राजा किसी जगह को अपनी राजधानी के रूप में चुनते थे, तब वो वहाँ पर एक किले का निर्माण करवा लेते थे और किले के आसपास के इलाकों को एक संयोजित नगर का रूप देकर उसे अपनी राजधानी बना लेते थे। और इसी अवधारणा से देखा जाए तो दिल्ली में ऐसे 7 नगर बसाए गए हैं जिसे उस समय के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया था। ये 7 शहर हैं। लाल कोट, इसे राजपूत राजाओं ने बसाया था। दूसरा है सिरी, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। इसी प्रकार तुगलकाबाद, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, जाह पनाह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाया गया, फिरोज शाहबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया, और शेरगढ़ शेर शाह सूरी द्वारा, और शाहजहानाबाद शाहजहाँ ने बसाया था। और आपको बता दें कि इसी दिल्ली महानगर का 8वां शहर है न्यू दिल्ली, जो आज के भारत की कैपिटल सिटी है। न्यू दिल्ली की एक नए शहर के रूप में स्थापना तब हुई जब 1911 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। 1911 से पहले भारत में अंग्रेजी शासन की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। आखिरकार दिल्ली को ऐसे ही शहरों का शहर नहीं कहा जाता। ना जाने कितने साम्राज्य इसी मिट्टी में पनपे और इसी मिट्टी में दफन हो गए। दिल्ली के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।